मनोज जी, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर इस चुनाव को याद रखा जाएगा तो प्रियंका गांधी के एक स्टेटमेंट के लिए याद रखा जाएगा जो सबके जहन में रहेगा, जो भी राजनीति थोड़ी सी समझते हैं। उन्होंने कहा कि हम उन सीटों पर हमने कैंडिडेट खड़े किए हैं जो भारतीय जनता पार्टी का वोट काट सके, यानी जहां पर गठबंधन को जिताना है उसके लिए कांग्रेस भी मदद कर रही है। अगर कांग्रेस का कैंडिडेट पक्का नहीं है, मजबूत नहीं है, और ऐसी जगह वो बीजेपी का वोट काट रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आना कि उसने वोट काटने के लिए कैंडिडेट खड़े किए हैं, ये एक ठीक एडमिशन था प्रियंका गांधी का? आप क्या मानते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि मायावती की जो पहले प्रथम चरण और दूसरे चरण में जो स्पीचेस थी, उसमें मायावती ने कांग्रेस को ज़्यादा अटैक किया है, मतलब करीब करीब उतना ही अटैक किया जितना कि उन्होंने बीजेपी को किया। आज की डेट में कांग्रेस के सामने दो समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। कई सारे स्टेट्स हैं जैसे यूपी है, बिहार है और दिल्ली है, तो यहाँ पे कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा वीक है। खासतौर से अगर हम अभी यूपी की बात करें तो यूपी में कांग्रेस को खड़ा करना सबसे पहला उनका काम है, और दूसरा काम है मोदी की डिफीट हो, इस चीज़ को वो करें, इंश्योर करें। लेकिन आपने देखा हो तो यही एक कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने सब सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े करे हैं और कई सीटों पे उनके कैंडिडेट बड़ा अच्छा मुकाबला कर रहे हैं। और जो वोट कटवा की बात है, वो वोट किसके कांग्रेस काट रही है ये कोई गारंटी नहीं है कि वो बीजेपी के ही वोट काट रही है। हो सकता है कि कांग्रेस के कैंडिडेट समाजवादी पार्टी और गठबंधन के वोट ज़्यादा काटे। फॉर एग्जांपल सहारनपुर में कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, मुस्लिम कैंडिडेट है, वहाँ की जानी मानी फैमिली से है, तो वो अगर वोट काटेगा बीजेपी के वोट तो वो काटेगा नहीं, वो वोट काटेगा उसका ये समाजवादी पार्टी और इसका BSP का। तो और जहाँ वो हार भी रहे हैं, मतलब सहारनपुर में वो जीतेंगे मेरे को लगता नहीं कि, मतलब इसके बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन मनोज जी, पर स्ट्रेटेजी क्या थी कि मतलब आप वोट काट रहे हैं, जीतने के लिए आप लड़ नहीं रहे हैं, गठबंधन में आप जाना नहीं चाहते हैं, तो कैडर आपके पास उत्तर प्रदेश में आपका है नहीं? नहीं, देखिए कांग्रेस का कैडर अभी, जैसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दीपक जी ने भी कहा कि कांग्रेस का कैडर तो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन उसकी ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। कांग्रेस की हालत ऐसी है कि उन्हें तो अपने कैंडिडेट को ढूंढने में ही उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई, तो कांग्रेस के लिए अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाना बहुत सबसे पहला यहाँ काम है। और ये यूपी नहीं, बंगाल में अगर हम देखते हैं, बंगाल में आज क्योंकि इलेक्शन है, बंगाल में आज से 20 साल पहले 40% वोट मिलता था कांग्रेस को, और लास्ट इलेक्शन में 2014 में 10% वोट उसको मिला था। ठीक है, आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस हर स्टेट में धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि हर स्टेट में, खासतौर से यूपी में जो सबसे बड़ा स्टेट है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, और यही कारण था कि वो बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं।